क्लास 10th मैथ बच्चे, जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 8.4 कॉन्टिन्यूटी में है, जिसमें हमने 8 तक क्वेश्चन आपके डन कर लिए थे। अब बेटा मैं आपके इस लेक्चर में 9th एंड 10th क्वेश्चन उठा रही हूँ, ठीक है? ये रहा 9th और ये रहा 10th, ठीक है? इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करना है, ठीक है? इन दोनों क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करना है, इसको और इसको। तो देखो बेटा मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं आपका 9th क्वेश्चन उठा रही हूँ, ठीक है? 9th क्वेश्चन क्या है आपका? कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, ठीक है? और ये है आपका इधर सिकेंट ए माइनस कोस ए, ठीक है? और ये क्या है? 1/tan ए प्लस कोट ए, ठीक है? मुझे ये दोनों चीज़ें जो हैं इक्वल करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड उठा रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सिकेंट ए माइनस कोस ए, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आता कितना है। मैंने सिकेंट ए को खोल दिया 1/ को सिकेंट ए को 1/ साइन ए में, और ये मेरा साइन ए वैसे ही रह गया, और इस सिकेंट ए को खोल दिया 1/ कोस ए में, माइनस कोस ए मेरा वैसे ही रह गया। अब मैंने इसको ज़रा और सॉल्व करा, 1 माइनस इसके नीचे 1 लेके इसका एलसीएम ले लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन साइन ए, और इधर सॉल्व करा 1 माइनस इसके नीचे 1 लेके, तो ये बन गया 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए अपॉन कोस ए, ठीक है? फिर 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई हुई है कि ये कोस स्क्वेयर ए के इक्वल होता है, मैंने इसको ये डाल दिया और नीचे वैसे ही रहने दिया, और इस 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए को मैंने साइन स्क्वेयर ए डाल दिया और नीचे कोस ए वैसे ही पड़ा रहने दिया। यहाँ पे कोस स्क्वेयर है तो एक सिंगल कट हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वेयर है तो सिंगल कट हो जाएगा, तो इसका आंसर मेरा कितना आ गया, कोस ए इंटू साइन ए, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है? तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल तो आई नहीं, तो इसका मीनिंग मुझे लेफ्ट हैंड साइड को साथ साथ राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि मैं अब राइट हैंड साइड उठा रही हूँ, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी 1/tan ए प्लस कोट ए, ठीक है? इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। तो देखो 1/tan ए को मैंने खोल दिया साइन ए अपॉन कोस ए में, और कोट ए को खोल दिया मैंने कोस ए अपॉन साइन ए में, ठीक है? इस तरीके से खोल दिया। अब इस तरीके खोलने के बाद मुझे नीचे लेना पड़ेगा एलसीएम, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये साइन स्क्वेयर ए हो जाएगा, और कोस को कोस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कोस स्क्वेयर ए हो जाएगा, और ये साइन ए इंटू कोस ए वैसे के वैसे रह जाएंगे। 1/ इसको 1 डाल दिया क्योंकि इसे पूरे के पूरे की वैल्यू 1 होती है, 1/ साइन ए इंटू कोस ए। अब जब मैं फ्रैक्शन को सीधा करूँगी 1 मल्टीप्लाई कोस ए इंटू साइन ए अपॉन 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है? तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरी राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए, आपस में इक्वल आ गए, ठीक है? तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर प्रूफ हो गया। अब देखो ज़रा ध्यान से, ठीक है, कि मैंने कैसे स्टेप्स करे हैं। पहले मैंने इनको खोला है, फिर इनका एलसीएम लिया है, फिर 1 माइनस साइन स्क्वेयर और 1 माइनस कोस स्क्वेयर की वैल्यू डाल दी है, फिर मैंने इसको सॉल्व करा है, ठीक है, और इसका एलसीएम लिया है, और इसको सॉल्व करने के बाद मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1। वो क्वेश्चन में पता क्या बोल रहे हैं, ये बच्चे ना क्वेश्चन को गलत समझ जाते हैं, वो बोलते हैं पहले इसको ये बनाना है फिर ये बनाना है, ऐसा नहीं है। उसने ये बोला कि चाहे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड साइड चाहे आपकी ये हो चाहे ये हो, उसका आंसर सेम आएगा, यानी कि ये आपके पास एक क्वेश्चन नहीं, ये दो क्वेश्चन हैं। एक तो आपने इसको सॉल्व करके टैन स्क्वेयर ए बनाना है, इससे टैन स्क्वेयर ए बनाना है, एक हमने इससे टैन स्क्वेयर ए बनाना है, यानी कि हमने दो क्वेश्चन दिए हैं, हमें चाहे इसको सॉल्व कर लें, वो बोल रहा है चाहे इसको सॉल्व कर लो, दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर आ रहा है टैन स्क्वेयर ए, यानी कि ये आपके दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सिंगल क्वेश्चन नहीं है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं पहले इसको उठाऊँगी, इस फर्स्ट वाले को उठाऊँगी, ठीक है, 1/tan2, इसको टैन स्क्वेयर ए के इक्वल लेके आऊँगी, फिर मैं सेकंड बना के इसको सॉल्व करूँगी, ठीक है ना? तो मैं सबसे पहले यही कर रही हूँ, 1/tan2 अपॉन 1/cot2, मैं इसका आंसर टैन स्क्वेयर ए के इक्वल लेके आना है मुझे, ठीक है? तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले राइट हैंड साइड जो है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वो उठा रही हूँ, 1/tan2, ठीक है, अपॉन 1/cot2, ये उठा रही हूँ, ठीक है,
वन प्लस टेन स्क्वेयर ए अपॉन वन प्लस कोट स्क्वेयर ए ये उठा रही हूँ। अब देखो मैं टेन स्क्वेयर ए को जब खोलूँगी तो वो कैसे आ जाएगा, साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस स्क्वेयर ए, ठीक है। और कोट स्क्वेयर ए कैसे आ जाएगी, कोट स्क्वेयर को हम खोलेंगे कोस स्क्वेयर ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए में, ठीक है, ये खोल देंगे ऐसे। अब उसके बाद मैंने इसके नीचे वन लगा के इसका एलसीएम ले लेना है पूरे के पूरे का, तो ये कैसे आएगा, कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस स्क्वेयर ए, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे एलसीएम ले लेना है इसके नीचे वन लगा के, तो वो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से लगा लेना है। अब देखो बेटा आगे क्या है, कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस स्क्वेयर ए। अगर किसी चीज़ को बोलने में गलती हो भी जाती है ना तो आप खुद समझदार हो थोड़ा बहुत तो, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वेयर ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, ये साइंस करे साइंस करे, चाहे आप कट कर दो चाहे इनका आंसर आप वन बना दो, ठीक है, कुछ भी कर दो। तो ये देखो ये क्या बन कर दिया मैंने, साइंस कर ए अपॉन कोस स्क्वेयर ए, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा वन सॉरी टेन स्क्वेयर ए के इक्वल, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, टेन स्क्वेयर ए के इक्वल, ठीक है। अब उसके बाद मैं ये वाला क्वेश्चन उठा रही हूँ, वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कोट ए होल स्क्वेयर, ठीक है, ये बना रही हूँ मैं। अब इसको मुझे टेन स्क्वेयर ए के इक्वल जो है वो मुझे प्रूफ करके बताना है, ठीक है। अब देखो बेटा मैं इसको प्रूफ करूँगी तो मैं वन माइनस टेन स्क्वेयर ए अलग कर दूँगी, ठीक है ना, टेन ए होल स्क्वेयर अलग कर दूँगी और नीचे वन माइनस कोट ए होल स्क्वेयर अलग कर दूँगी और इसके ऊपर लगा दूँगी आइडेंटिटी, वन का स्क्वेयर वन और इसका टेन स्क्वेयर ए, ये बन जाएगा वन माइनस टू टेन ए और नीचे वन प्लस कोट स्क्वेयर ए और ये बन जाएगा माइनस टू कोट ए, ठीक है। फिर आपने वन प्लस टेन स्क्वेयर ए को क्या डाल देना है, सीकेंट स्क्वेयर ए, ठीक है, माइनस टू टेन ए, टू टेन ए, ठीक है। अब देखो उसका ऐसा डालने के बाद आपने क्या करना है, टू टेन ए अपॉन ये कोसीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टू कोट ए, ठीक है। इस इतना डालने के बाद आपने क्या करना है, इस सीकेंट को वन अपॉन कोस स्क्वेयर ए में, तो आगे देखो बेटा बेटा आपका सीकेंट स्क्वेयर क्या बन जाएगा, वन अपॉन कोस स्क्वेयर ए माइनस टू टेन ए, टेन ए क्या बन जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। आगे क्या है, वन अपॉन ये आपका साइन स्क्वेयर ए, ये क्या बन जाएगा का माइनस टू कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। फिर आपने बाद में इसका भी एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो इसमें से सबसे बड़ा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वेयर ए, ठीक है। और इसमें से आपने क्या करना है, ये कोस ए इधर जा नहीं सकता, अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो आप इसमें कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। वैसे ही नीचे मैंने एलसीएम ले लिया, मतलब आपने एलसीएम लेना है बस, ठीक है, प्रॉपर चीज़ों का, ठीक है। तो ये मेरा इतना बन गया। अब हम इस फ्रैक्शन को सीधा करेंगे, वन माइनस टू साइन ए इंटू कोस ए अपॉन कोस स्क्वेयर ए, इसको सीधा करा साइन स्क्वेयर ए अपॉन वन माइनस टू साइन ए इंटू कोस ए, तो ये दोनों मेरे कैंसिल हो गए। तो ये मेरा क्या बन गया, साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस स्क्वेयर ए और ये मेरा क्या बन गया, टेन स्क्वेयर ए, ठीक है। तो अब देखो इसका आंसर भी टेन स्क्वेयर ए आ गया और इसका आंसर भी मेरा टेन स्क्वेयर ए आ गया। तो इसके साथ ही मेरा ये क्वेश्चन भी डन हो गया। बस अब आपका इसका चैप्टर का वन क्वेश्चन रहता है, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपके नेक्स्ट वीडियो तक आपके साथ आपको पहुंचा दूंगी। ओके बेटा, थैंक यू।